इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक रिश्तों के कत्ल की खबर सामने आई। जी हाँ, जहाँ एक बेटे ने जन्म देने वाली माँ को ही डंडे से पीट पीट कर मार डाला और फिर फरार हो गया। कलयुगी बेटे द्वारा माँ की हत्या की इस घटने ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। पूरा मामला बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र के मेड़किया गाँव का है, जहाँ का रहने वाला वीरेंद्र नाम का युवक अक्सर घर में पारिवारिक विवाद उत्पन्न किया करता था, जिसके चलते घर में हमेशा कलह बनी रहती। आज जब फिर से घर में पारिवारिक विवाद खड़ा हुआ तो गुस्साए इंद्र ने डंडे से अपनी मां को पीटना शुरू कर दिया और मां के सर पर डंडे से वार कर दिया, जिससे 52 साल की पुनी देवी बुरी तरह घायल हो गई। घायल पुनी देवी की परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद से ही आरोपी कलयुगी बेटा फरार हो गया। उधर घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा आरोपी बेटे की तलाश में जुट गई। क्या नाम है तुम्हारा? हीरा लाल। अच्छा, क्या घटना हुई है, कौन है तुम्हारी जो मृतक है? जी, हमारी मम्मी है, हमारे छोटे भाई ने मारा, गांव मेड़की अपौंडा थाना मोतीपुर जिला बहराइच, हमारे भाई ने मारा तो हमारी मम्मी खत्म हो गई। काहे के लिए भाई ने मारा आपके अपनी माँ? जी वक्त उस वक्त तो हम वहाँ पर थे नहीं, ये पता लगा कि हमारे पिताजी को जैसे वो गाली दे रहा था, हमारे पिताजी बोले, पिताजी को ढकेल दिया। फिर उसके बाद में मम्मी गई तो पिताजी जब नीचे गिर गए, उसके बाद तो मम्मी को मार दिया। बस जब पिताजी उठे तो देखिए मम्मी बेहोश पड़ी, फिर उन्होंने चिल्लाने लगे, फिर हमारे पास कॉल किया, हम वहाँ से दौड़ के आए, फिर देखे तो फिर तो ये सगे बेटे ने अपनी माँ को मारा है। जी, किस चीज़ से मारा है? जी वही लाठी डंडा से मारा है। कौन सा गांव का मामला है? मेड़के है पौंडा थाना मोतीपुर। क्या नाम है इनका? पुन्नी देवी। पति का नाम क्या है? होली। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।